अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत हैं? आपका नाम? गुलाम नबी जी। गुलाम नबी, गुलाम नबी तेज़ बोले, ठीक है ना। ये भैंस लेके आप जा रहे हैं माशाल्लाह, और ये मैं आपकी हैं, ठीक है माशाल्लाह। तो जानवर भी आपके हलाक हुए हैं? तो आपको इमदाद मिली या कोई टैम या कैंप, यानी कि लोग ट्रेंड वगैरह बांट रहे हैं, खाना वगैरह दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया है, तो आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। यानी सिंध क्या ये इलाका है, और ये टनोखान लगता है शायद ना, ज़िला टनोखान लगता है सर ये, और उसके बावजूद आपको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे खाना पीने के। और शजील मेमन का भी ये इलाका लगता है ना। ठीक ठीक ठीक। ये देखें, ये बहुत यहाँ पे तो ये तो खैर यहाँ तो पानी नहीं है, पीछे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है। और ये लोग ये हैं कि केला वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पर, फसलें भी हैं, और इंशाल्लाह ताला हम मुंतज़िर रहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और दुआओं के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, यासीन शहज़ाद और ये शेख गेट के ऊपर हूँ मैं, और आप रास्ते में मैं आपसे कुछ बातें करता हुआ आया था, और ये देखते भी आए थे कि क्या यहाँ पे क्या है। यहाँ के लोग बड़े बहुत मोहब्बत वाले और इकोनॉमिकल भी है यहाँ पर। देखो देखो, यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ जो सिटी के अंदर है, हैदराबाद वगैरह और कहीं और जाएंगे उसमें फ्रेश मछली यहाँ पर। ये देखें भाई, ये फी मछली कितने की एक है, और ताज़ा फ्राई हो रही है बिल्कुल माशाल्लाह। फ्राई भी देखें कैसी हो रही है ना, ये भाई फ्राई कर रहे हैं। नाम सर आपका? जी अजीज़, अब्दुल अजीज़ नाम है भाई का। और ये मछली फ्राई कर रहे हैं, और ये देखें, और यहाँ की फेमस है यहाँ की ना, और ताज़ा है, लोग यहाँ से लेके जाते हैं। और 50 रुपये में तो इस दौर महंगाई के दौर में तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, भाई खा भी रहे हैं। टेस्ट कैसा है, जायका कैसा है इसका? अच्छा जायका, ये अच्छा जायका है। देखें आप, और ये भाई हैं यहाँ पर, और आपका नाम माशाल्लाह? वज़ीर, वज़ीर अली, ये वज़ीर अली नाम है इनका। और वज़ीर अली के नाम से आपको पता है एक फैक्ट्री भी है, और बड़ी फेमस फैक्ट्री है। तो इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ पर, मगर ये हालत वो भी हैं, कुछ लोग भी आया हुआ है, ये साईं बैठे हुए हमारे माशाल्लाह, साईं अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे थोड़ा इमदाद का भी हम चाहते हैं कि यहाँ से शेख बिर के ऊपर कुछ इमदाद मिले, लोगों पर इमदाद भी नहीं मिली है यहाँ पर, और खाने पीने के मामला भी थोड़े से कलील हैं, ज़मीनों में पानी भी भरा हुआ है, कुछ फसलें भी दबा हुई हैं, और सारी की फसल मेन थी यहाँ की, तो अल्लाह रहम करे। तो यहाँ से तो हम चलते हैं, फिर आगे जाके आपसे बात करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर झनमोरी, और झनमोरी के अंदर यहाँ पर आपके सामने अभी माशाल्लाह ज़ुल्फ़िकार भाई हैं, और ख़ान मेडिकल के नाम से है, और माशाल्लाह यहाँ पर जो है समझ लो यहाँ का फेमस है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हैदराबाद में स्टार जैन और पब्लिक वगैरह हैं, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह, और रश भी है ना, और ये लोग ये कंटिन्यू है ना। और आज के डे जो है ना, आज 7 अक्टूबर है, और हम लोग यहाँ पे आए, और रास्ते में हमने बहुत कुछ देखा। रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिले हमें जिनको किसी ने ना कैंप दिए थे, ना टेंट दिए हुए थे, इन लोगों ने भी सपोर्ट किए, और लोगों ने भी किए सपोर्ट, बट ये कि कुछ मिला नहीं उनको। अब पता नहीं किसी को पेमेंट दे भी रहे हैं 25,000, या खाना वगैरह पहुँचा भी रहे हैं, या कहाँ पहुँचा रहे हैं, ये है कुछ पता नहीं है ना। और ये देखें, ये यहाँ का सिस्टम हल्का छोटा छोटा शहर है ये, और हम लोग आगे भी जाएंगे, बताएंगे अब आपको कि और क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक? आप मिजाज बखैरियत? रशीद भाई ये बताइएगा आप कि यहाँ मलेरिया का क्या पोजीशन है यहाँ पे? सुना है रास्ते ज़्यादा है, और गंदगी हो रही है, और सर्दी से पेशेंट आ रहे हैं तकरीबन इस मलेरिया में 104, 105, 106 तक फीवर रहता है, और शिवरिंग ज़्यादा होती है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, कमर और पट्टों में दर्द होते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, मोशन भी हो जाते हैं। ठीक, यही है अभी मौसम, यही चल रही है। ठीक है, ठीक 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 ठीक, थैंक यू। क्योंकि आप हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपका इसकी वजह से मैंने बोला अब्दुल रशीद भाई से मेरी बात हो तो ज़्यादा बेहतर है इसके मामले में, क्योंकि हम विलेज में आए हुए हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा कुछ इमदाद वगैरह का सिस्टम हुआ यहाँ पर, कोई कैम वगैरह, कोई स्प्रे वगैरह कुछ हुआ? स्प्रे तो हमारे पास नहीं हुए। अच्छा, नई टीम वाले भी आए हैं स्प्रे करने के लिए। जी जी, और बहराड़ी और दियातों में तो ज्यादा मच्छर होते हैं। ठीक है, और गंदगी ज्यादा होती है, राइट, सफाई नहीं है। सही कहा आपने, उस वजह से ये मच्छर ज्यादा चल रहे हैं। सही सही, ठीक 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 ठीक।
ठीक है। अच्छा ये इमदाद का जो चक्कर था, ये कोई कार्ड्स किसी की कुछ निकले हैं या किसी को इन्होंने पेमेंट्स वगैरह दी? वैसे राशन वगैरह दिया हुआ है कहीं कहीं गाँव में। अच्छा अच्छा। और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के तौर पे जो 25,000 रुपए जो आ रहे थे वाईफाई, किसी किसी को जिसका बैंक में अकाउंट है औरतों का उनको मिल रही है, बाकी नहीं है। अच्छा, जो पुराना यानी कि सिस्टम था वही चला हुआ है, न्यू कोई सिस्टम नहीं हुआ, जो कि ओल्ड यानी एहसास प्रोग्राम से बिफोर जो चल रहा था वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अल्लाह रहम करे और दुआओं के साथ। और मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और इस वजह से कि आगे शाम होने वाली है तो यहाँ पे पता है आपको मालूम मच्छर बहुत है और डेंगू भी है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है ना, डेंगू कैसा कोई मसला है, पानी भरा हुआ रास्ते में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आगे नहरे भी हैं। देख लें बने ये रशीद भाई से बात कर रहे हैं। जी जी हाँ, नहरे वगैरह भी है, पानी भरा हुआ रास्ते में बहुत ज़्यादा यार ये पानी की आबादियाँ हैं ना उस वजह से ही हो रहा है। सही, यू आर राइट सही सही सही। तो अल्लाह की अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ही के हाथ में है बस। और गवर्नमेंट को उससे हम अपील करेंगे ना कि उनके इमदाद भी पहुँचाएँ और स्प्रे वगैरह तो कम से कम करें, और मेडिसिन वगैरह जो मैंने देखा है आगे कुछ गए हॉस्पिटल्स पे तो वहाँ पे शॉर्ट्स थी ना जो मलेरिया की प्रोडक्ट्स यानी कितनी मेडिसिन वगैरह दी हुई है ना वो शॉर्ट्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।